तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत ने। तो मनोहर पारिकर जी के निधन के बाद बीजेपी के नेता प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अच्छा, ये कौन है गुरुजी प्रमोद सावंत? तो ये गोवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्रमोद सावंत गोवा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 11वें नंबर के। अच्छा देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, तो आज मैं आपसे पूछूंगा कि मनोहर पारिकर जी कितनी बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो आंसर क्या होगा? 4 बार। अच्छा देखो, प्रमोद सावंत तो गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ सुदिन धवलीकर और विजय सरदेसाई गोवा के डेप्यूटी सीएम बने हैं। अच्छा, बात हुई है गोवा की, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, और पणजी से ही प्रश्न बनता है कि किस नदी के किनारे है पणजी, तो आंसर होगा मांडवी नदी के किनारे। गोवा के गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। और नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? प्रमोद सावंत। अच्छा देखो, गोवा जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य है पूरे देश का। अच्छा गुरुजी, सबसे छोटा अगर गोवा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। और ये गुजरात से लेकर गोवा तक का जो समुद्री तट है उसे क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। अच्छा देखो, गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे। अच्छा चलो, आपसे हमेशा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, फिर पूछूंगा, देश का पहला GI स्टोर कहाँ पे खुला? तो फिर आंसर क्या होगा? गोवा में, जनवरी में ही बताया था मैंने आपको। और याद रखना, गोवा के पास खुद का कोई हाईकोर्ट नहीं है, इसके मामले कौन देखता है? बॉम्बे हाईकोर्ट देखता है। और कल मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ जिसमें हमने देख लिया था कि देश के कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है। कौन सी ट्रिक थी? पाम पे नाग। मैं कल एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, अगर कोई नया इसे पहली बार दिख रहा है तो आप कल का वीडियो देख लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रितु बेरी किस देश में उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजदूत बनी है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रितु बेरी को किस देश में उज्बेकिस्तान की कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत में। तो अभी हाल ही में भारतीय फैशन डिजाइनर कौन? रितु बेरी को उज्बेकिस्तान के पर्यटन मंत्रालय ने भारत में उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत यानी कि कल्चरल और टूरिज्म एम्बेसडर इन इंडिया नियुक्त किया है। अच्छा देखो, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। अच्छा गुरुजी, क्वेश्चन प्यारा क्यों है? क्योंकि अभी 17 मार्च को ही मैंने आपको बताया था संतोष झा को उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। संतोष झा को उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत एम्बेसडर बनाया था, और यहाँ इस क्वेश्चन में रितु बेरी को उज्बेकिस्तान ने भारत में अपना सांस्कृतिक राजदूत बनाया है। तो ध्यान रखना, रितु बेरी को हमने अपॉइंट नहीं किया है, उज्बेकिस्तान ने किया है, और वो भी भारत में ही किया है। मतलब हमारी रितु को हमारे देश में ही नियुक्त कर दिया है किसने? उज्बेकिस्तान ने। और याद रखना, इस तरह से इस पद पर नियुक्त होने वाली रितु पहली भारतीय है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रितु बेरी का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। अब उज्बेकिस्तान ने अपॉइंट किया है भारत में रितु को, तो उज्बेकिस्तान ये रहा। कैपिटल क्या है? ताशकंद। करेंसी क्या है? सोम। प्रेसिडेंट कौन है? शेवकत मिर्जियोवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डोमिनिक थीम ने। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर कौन? डोमिनिक थीम ने अपने करियर का पहला BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अच्छा गुरु जी, डोमिनिक थीम किस देश के हैं और इन्होंने किसको हराया है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को हराया है, और अपने करियर का पहला BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है किसने? डोमिनिक थीम ने। अच्छा सुनो, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि WTA इंडियन वेल्स खिताब किसने जीता, तो आंसर यही होगा, डोमिनिक थीम। क्योंकि BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट बोल दो या WTA इंडियन वेल्स टूर्नामेंट बोल दो, बात एक ही है, यानी कि क्योंकि BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट को ही WTA इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इंडियन शब्द आ गया ना, तो इसे भारत से मत जोड़ लेना, ये कैलिफोर्निया में एक जगह है इंडियन वेल्स जहाँ पे ये टूर्नामेंट हुए थे, इसीलिए इसको कहा जाता है WTA इंडियन वेल्स टूर्नामेंट। तो एग्जाम में कुछ भी पूछे, BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट पूछे या WTA इंडियन वेल्स टूर्नामेंट पूछे, किसने जीता? डोमिनिक थीम ने, जो ऑस्ट्रिया से हैं। किसको हराया? रॉजर फेडरर को, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्री
2019 किसने जीती है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाल्टेरी बोटास ने। तो साल की फॉर्मूला वन रेसेस की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से अभी 15 से 17 मार्च को हुई 2019 की पहली फॉर्मूला वन रेस, जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। और इसे किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास ने। अच्छा गुरुजी, ये जो वाल्टेरी बोटास है ना, ये किस कंपनी की कार चलाते हैं? तो वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो पहले नंबर पे कौन रहे? वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर। दूसरे नंबर पे लुइस हैमिल्टन, ये भी मर्सिडीज की कार चलाते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। अच्छा देखो, अगर आप हमारा जनवरी फरवरी से करंट अफेयर्स देख रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा 2019 का पहला ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैंने आपको महीने भर तक रिवीजन करवाया था, जब तक आपको वो बुरी तरह से रट नहीं गया। तो अब उसी तरह से ये 2019 की पहली फॉर्मूला वन रेस है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसे एक बार आप याद कर लो, बाकी आपको भूलने मैं नहीं दूंगा। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी के अभी आपने पास 10 दिन का ही समय है, क्योंकि अभी मार्च के लास्ट में एक और फॉर्मूला वन रेस होगी, कौन सी? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। तो उसके विनर्स के नाम भी आएंगे, उन्हें भी हमें याद रखना है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम को याद रखने का 10 दिन हमारे पास हैं, तो इसलिए कह रहा हूं आप एक बार याद कर लो, बाकी आपको पता है मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। किसने जीती ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो वाल्टेरी बोटास ने। किसके ड्राइवर है? मर्सिडीज के ड्राइवर है। अच्छा देखो, मैंने अगर नाम नहीं लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो चलो उसका भी रिविजन कर लेते हैं, वरना वो बुरा मान जाएगा। तो मेरे साथ बोलना जिससे इसको याद है। सबसे बेसिक क्वेश्चन में आपको क्या बताता हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेली जाती है? तो आंसर होगा हार्ड कोर्ट पे। वुमेन सिंगल की बात करेंगे, किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने किसको हराया था? पेत्रा क्वितोवा को। नाओमी ओसाका कहां से हैं? जापान से। पेत्रा क्वितोवा कहां से हैं? सीजिक रिपब्लिक से। मेन सिंगल की बात करेंगे, किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? राफेल नडाल को। नोवाक जोकोविच कहां से हैं? सर्बिया से। राफेल नडाल कहां से हैं? स्पेन से। देखो, जब भी मैंने आपको याद कराया है, मैं आपको एक और पॉइंट बताता था। 23 फरवरी को हमने पढ़ा था वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट का अवार्ड मिला था नोवाक जोकोविच को। अच्छा देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था दीपक कर्माकर, याद आ रहा है नाम दीपक कर्माकर का? क्यों अभी नाम लिया था इनका न्यूज में? क्योंकि इनके शक्ल की जैसी बार्बी डॉल बनाई थी मेटल नाम की कंपनी ने। तो उसी तरह से नाओमी ओसाका भी वो महिला हैं जिनकी बार्बी डॉल बनाई गई है। अच्छा देखो, पेत्रा क्वितोवा को मैंने क्या बोला, ये सीजेक रिपब्लिक से है। तो आप ही में से हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे बताया था उनके एग्जाम में एक प्रश्न आया स्कोडा कंपनी कहाँ की है, तो सीजेक रिपब्लिक की है, आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया भर के स्पोर्ट टीमों के सबसे अमीर मालिकों की सूची जारी की है, और इस लिस्ट में टॉप पे है मुकेश अंबानी। अच्छा गुरुजी, मुकेश अंबानी की स्पोर्ट्स टीम का नाम क्या है? तो मुकेश अंबानी की आईपीएल टीम है, और उसका नाम है मुंबई इंडियंस। 2008 में इन्होंने मुंबई इंडियंस को खरीदा था। अच्छा आपको पता है ना, मैं आपको चीजें लिंक करा कर के याद कराता हूं, तो अमीरों की सूची से आपको कुछ याद आया होगा। चलो मैं आप ही से पूछ लेता हूं, अभी फोर्ब्स के अनुसार अब तक की सबसे कम उम्र की, या फिर बोलूं सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड स्वनिर्मित अरबपति कौन बनी है? 7 मार्च के करंट अफेयर्स में बताया था, तो आंसर होगा काइली जेनर। अच्छा देखो, मुकेश अंबानी के नाम से भी आपको कुछ याद आया होगा, फोर्ब्स के सबसे अमीर अरबपतियों की सूची जारी की थी इसने 8 मार्च को। तो आप मुझे बताओ उस सूची में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला था? तो आंसर होगा 13वां स्थान मिला था। तो गुरुजी पहले स्थान पे कौन थे? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। पर रुको रुको, इसके अलावा एक और सूची आई थी जो मैंने आपको फरवरी में बताई थी, कौन सी? हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019। और उस लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला था, अब ये आप मुझे बताओ। ये मैंने आपको फरवरी में बताया था, तो आंसर होगा 8वें नंबर पे रखा था मुकेश अंबानी को हुरुन के लिस्ट के अनुसार, और इसमें टॉप पे तो वही थे अमेजन के जेफ बेजोस। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एटीपी की नवीनतम पुरुषों की रैंकिंग में प्रजनेश गुणेश्वरन किस स्थान पे रहे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 84th पोजीशन पे। अच्छा एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे, तो आपने 28 फरवरी का भी देखा होगा, वहां मैंने आपको बताया था एटीपी की रैंकिंग आई थी, और उसमें प्रजनेश गुणेश्वरन एकमात्र भारतीय रहे जो कि टॉप 100 में थे, और इनकी पोजीशन क्या थी? 94। पर अभी एक बार फिर एटीपी ने अपनी रैंकिंग लिस्ट को अपडेट किया है। क्यों किया? क्योंकि अभी देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ, याद आया, और उसमें डोमिनिक थीम ने रॉजर फेडर को हरा दिया था, और उसके बाद लिस्ट अपडेट हुई,
और अपडेटेड लिस्ट में प्रजनेश गुणेश्वरन 84th पोजीशन पे आ गए हैं। इसका मतलब गुरुजी ये हुआ कि हमारे प्रजनेश गुणेश्वरन ने 10 पोजीशन की बढ़त हासिल की है। और इस तरह से याद रखना 84th पोजीशन इनकी है और ये इनके करियर की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। अच्छा गुरुजी इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे वही है नोवाक जोकोविच। अच्छा नोवाक जोकोविच से कुछ याद आ रहा है आपको? ये तो मैंने अभी बताया था आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जो हुए थे वो जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने। तो ये आप याद रखना 84 पोजीशन प्रजनेश गुणेश्वरन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 मार्च को। तो हर साल मार्च की 18 तारीख को ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो एक्चुअल में पूरी दुनिया को एक साथ लाने और सबसे पहले अपने प्लेनेट, अपने ग्रह के बारे में सोचने का ये दिन है ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे। अच्छा इसकी थीम है जो आपको याद रखनी है, रिसाइक्लिंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में पुनर्चक्रण। अच्छा इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया, तो जिसको याद है वो मेरे साथ बोलना। 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और हमारी एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट है मीनू, उन्होंने इसको याद रखने की शानदार ट्रिक बताई थी। क्या थी? गुरुजी एक जना है और वो भी मर गया तो क्या बचा? जीरो। तो 1 मार्च से बना क्या? जीरो से जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम क्या थी? एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेशन। फिर आया 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यश, उन्होंने इसको याद रखने की शानदार ट्रिक बताई थी कि गुरुजी विश्व वन्यजीव दिवस क्यों मनाते हैं? ताकि जानवर मरे ना, यानी कि जानवर मर न जाएं, तो लिख दिया मर। और यहाँ पे कितने शब्द आ रहे हैं, चाहे इंग्लिश देखो चाहे हिंदी देखो, विश्व वन्यजीव दिवस 3 शब्द, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 वर्ड, तो मैंने लिख दिया 3। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। अच्छा थीम क्या थी? लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। 7 मार्च को हमने मनाया जन औषधि दिवस के रूप में। फिर आया 8 मार्च, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वुमेन डे। और देखो वुमेन से मुझे याद आती है गर्ल की, और गर्ल मतलब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। अच्छा गुरुजी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो मना लिया, लेकिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी तो होता है, वो कब मनाते हैं? तो हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जनवरी निकला ही है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। और 24 जनवरी से याद आया, अभी इस साल से ही हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाना शुरू किया 24 जनवरी को। अच्छा इंटरनेशनल वुमेन डे की हम बात कर रहे हैं 8 मार्च को, और इसकी 2 थीम थी इस बार। कैंपेन थीम क्या थी? हैशटैग बैलेंस फॉर बेटर, और जनरल थीम थी थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। फिर 14 मार्च आया, वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया। थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। फिर आया 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया, और थीम क्या थी? ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। और अब 18 मार्च को क्या मनाया? ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओला ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के साथ। तो अभी हाल ही में ओला ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। स्मार्ट यातायात समाधान यानी कि स्मार्ट ट्रैफिक सॉल्यूशन, मतलब जो ट्रैफिक से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी ना, उसका स्मार्ट सॉल्यूशन देगी ओला तेलंगाना गवर्नमेंट को, ताकि यातायात समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अच्छा देखो एक न्यूज़ तो ये हो गई जिसमें ओला ने टाई अप किया है तेलंगाना गवर्नमेंट से। अब ओला से लिंक करके आपको एक और न्यूज़ मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि हमारा एक क्वेश्चन बच जाएगा। तो हुंडई मोटर्स ग्रुप और किया मोटर्स साथ में मिलकर के, यानी कि संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से ओला में $300 मिलियन का निवेश करेंगी। और इस तरह से ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त निवेश होगा, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये आपको याद रखना है। बात हुई है ओला की और तेलंगाना की, तो देखो ओला की बात करते हैं। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, CEO कौन है? भावेश अग्रवाल। और इसके फाउंडर कौन थे? भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी। याद रखना आपकी ओला ने फूड पांडा को भी खरीद रखा है। अब तेलंगाना की बात हुई थी, तो तेलंगाना ये रहा मैप में। गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और ये 29th नंबर का हमारा स्टेट था, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर ESL नरसिम्हा, और CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल ने किस नाम से श्रीनगर में एक राजनीतिक पार्टी शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। तो अभी हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी कौन? शाह फैजल ने
श्रीनगर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है, उसका नाम याद रखना है जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, क्योंकि देखो आजकल क्या होता है, एग्जामिनर है ना पार्टीज का नाम बड़ा पूछ रहा है। बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो ये रहा जम्मू कश्मीर। कैपिटल्स देखो, इसकी दो कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। विंटर में इसकी कैपिटल होती है जम्मू, समर में इसकी कैपिटल होती है श्रीनगर। और मैंने कैसे याद करा रखा है, एस से श्रीनगर, एस से समर। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, देखो वैसे तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, पर आपको हमेशा मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर, बाकी सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, उसका नाम क्या है गुरुजी, तो वुलर लेक है। अच्छा गुरुजी, ये तो हो गई इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, आप बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है और कहाँ पर है। तो आंसर होगा लेक सुपीरियर है, नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा देखो, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही है। और आप मुझे बताओ अभी देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे बनेगा, ये मैंने आपको फरवरी में ही बताया था, तो फिर आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। ट्यूलिप मतलब होता है फूल। अच्छा देखो, जम्मू कश्मीर से तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि अभी जम्मू कश्मीर ने लद्दाख को अलग प्रशासनिक संभाग, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन बनाने की मंजूरी दे दी थी। तो अब जम्मू कश्मीर में 3 संभाग होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा लद्दाख के अंदर 2 जिले आएंगे, याद रखना कौन कौन से, लेह और कारगिल, और इसका हेडक्वार्टर होगा लेह में, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनजीटी ने अडानी ग्रुप पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ रुपए का। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अभी हाल ही में एनजीटी ने अडानी ग्रुप पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्चुअल में क्या है, जो कर्नाटक है ना उसके उडुपी में अडानी ग्रुप का एक पावर प्लांट है, और उससे जो प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन निकलता है ना, उसके कारण जो वहां के आसपास के निवासी है उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और इसी के साथ साथ प्लांट के कारण कृषि उपज कम होने की भी शिकायतें आ रही है, और इसी कारण से एनजीटी ने अडानी ग्रुप पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा देखो, एनजीटी से लिंक करके मैं आपको एक और न्यूज यहीं पे बता देता हूं। तो एनजीटी ने 6 राज्यों को 30 अप्रैल तक वायु गुणवत्ता पर एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये जो 6 राज्य है ना वहां पे जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए उन राज्यों को एक योजना बनानी है, और उसका टारगेट क्या दिया है, 30 अप्रैल के पहले पहले। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं राज्य, तो एनजीटी उन पे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा। अच्छा गुरुजी, वो 6 राज्य कौन से हैं, तो असम, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड। अच्छा देखो, एनजीटी लिखा हुआ है, तो एनजीटी से आपको कुछ याद आया होगा, फरवरी में मैंने आपको बताया था एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, और अभी मार्च में मैंने आपको बताया था एनजीटी ने फॉक्स वैगन पे 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, याद आया आपको। बात हुई है एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने आपको बताया फुल फॉर्म होती है, स्थापना हुई थी 2010 को। एनजीटी करता क्या है, ये पर्यावरण विवाद, जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते हैं ना उनको हल करने का ये काम करता है। अच्छा, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना शुरू की है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना शुरू की है, और याद रखना ये दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है संगम परियोजना। तो आपको याद रखना है संगम परियोजना किसने शुरू की, माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। फाउंडर कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके सीईओ कौन है, सत्या नडेला। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु FC यानी कि फुटबॉल क्लब ने। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु FC ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। अच्छा गुरुजी, ये हुआ कहां पे था, तो इंडियन सुपर लीग मुंबई में हुआ था, और इसमें FC गोवा को हरा करके बेंगलुरु FC ने ये खिताब जीत लिया है।
अच्छा अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे आईपीएल का आधिकारिक सहयोगी ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया। तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, ड्रीम इलेवन। आप सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ज्यादातर ने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं आप लोगों से भी बोलता हूं कि बाकी लोग भी आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा करो, क्योंकि आप डिटेल में लिखोगे तो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। अच्छा देखो, कल मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको एक डिसीजन लेना है, जो मैं नाम लेता हूं वो आपको चाहिए, या जो हम पजल देते हैं उसके क्वेश्चन 12 से बढ़ा करके 20 कर दें। तो ज्यादातर लोगों ने कहा है कि गुरुजी नाम रहने दो, नाम तो रिजल्ट में आएगा फाइनल वाला, आप ये जो पजल के क्वेश्चन है बढ़ा करके 20 कर दो। तो बस आपका हुक्म सराखों पर, ये रहे आपके पजल के पहले क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन अगले पेज में है, बाकी के क्वेश्चन ये रहे। तो जो नए लोग हैं जिन्हें खेलना नहीं आता, मैं बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करना, बचपन में आपने मैच द फॉलोइंग करे होंगे ना, मिलान करो, बस उसी तरह से करना है। इसमें आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं और बाकी पुराने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए, ताकि आप अपने आपकी टेस्ट ले सको कि पुराने क्वेश्चन जो हैं वो कहीं से कहीं आप भूले तो नहीं हो। बस उसी तरह से आपको जमाना है जैसे कि आपके आंसर आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा जो हमारे सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ। सबसे पहला कमेंट मैंने करा हुआ है इसके आंसर का, जो मैंने पिन करके रखा हुआ है, वहां पे अपने सॉल्यूशन मैच कर लेना और उसी के रिप्लाईज में अपने कमेंट भी डाल देना। देखो कमेंट जरूर करना, अगर आप इसे खेल रहे हो कमेंट जरूर करना, केवल आपको 20 अल्फाबेट ही लिखने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसमें तो आपको कोई बहाना नहीं चलेगा कि कैसे लिखेंगे, 20 अल्फाबेट आपको लिखने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट लोगे तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसे खेल रहे हैं, तो मैं भी इसमें इंटरेस्ट लूँगा। आप लोगों के लिए फिर मैं भी इंटरेस्टिंगली ऐसे क्वेश्चन डालूंगा कि जिससे आप कन्फ्यूज़ हो सको, थोड़े हार्ड वाले भी, थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले भी, थोड़े अच्छे वाले भी। तो आप भी इंटरेस्ट लो, मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ, तूफान मचा देंगे। अब आज के वीडियो के कुछ वाले प्रश्न की बात करते हैं जिसको आपको डिटेल में लिखना है। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो ईमानदारी से इसे लाइक जरूर कर दिया करो और लाइक करने के बाद अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिया करो। अपने दोस्तों में, जो भी आपके फैमिलीज में, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए हमारा। बात करते हैं आज की वीडियो की कुछ के प्रश्न की। हाल ही में AFINDEX19 सैन्य अभ्यास कहां पे शुरू हुआ है, आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स रहा, कोशिश करना इसको आप डिटेल में लिख सको। जो नए लोग इसे पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बस आप रेगुलरिटी बना करके रखना, आप कुछ दिन बाद आगे से कहोगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।